दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखो पुराने टाइम में जब हम लेते थे कि कुछ कहीं पे मान लो कि बाढ़ आ गई या कुछ हुआ, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हुई वहां पे, तो उसमें क्या होता था कि वहां पे उनके पास जो है मेजर करने के लिए जो है कोई भी आप कह सकते हो कि मेजरमेंट्स के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किसी तरह के का एक स्पेसिफिक मेथड नहीं था कि बाढ़ आने के बाद जैसे सब कुछ हुआ वहां पे और चेंजेस जो है अगर उनके उसके हो गए कि उनकी बाउंड्रीज जो है अगर वो खत्म हो गई तो उसके लिए अगेन उसको किस तरीके से उन्होंने मेजर करना है वो मेथड्स उनके पास नहीं थे। तो इस तरह के जो है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो है कुछ ना कुछ जो है मेथड्स अडॉप्ट किए, जो भी तरीके उन्होंने अडॉप्ट किए धीरे धीरे जो है वो तरीके आपके कन्वर्ट हुए इन द ज्योमेट्री। पहले जो है जैसे अब हम लेते हैं कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। अब ये सारी चीजें हम ले सकते हैं, इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। लाइन हमें पता है उस पे आपके इनफाइनाइट जैसे पॉइंट्स जो है वो लाए करते हैं। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे आपकी डेवलप हुई और इन चीजों को जो है उन्होंने नेम दिया कि ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिनको हम आगे ज्योमेट्री में फर्दर चीजों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स, जिसको हम ये कहते हैं कि उसने ये प्रूफ दिया कि अगर हम किसी भी एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं विद एनी रेडियस तो इसका जो डायामीटर होता है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो फर्स्ट प्रूफ है कि अ सर्कल इज बाइसेक्टेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायामीटर, दैट वाज गिवन बाय थेल्स। थेल्स ने ये ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने ये प्रूफ दिया था। उसके बाद जो है इन इस प्रूफ को जो है फर्दर आगे करते करते उसका थेल्स का ही एक स्टूडेंट था पाइथागोरस, जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी, यू वुड बी नोइंग अबाउट दैट आल्सो, आपको उसके बारे में भी पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी। अब सेम वे में इसी तरीके से कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो अपनी जो ज्योमेट्री की थियोरीज थी वो देते रहे और इन थियोरीज को जो है सभी थियोरीज को कलेक्ट करके आपका जो है एक यू कैन से कि मैथमेटिक्स टीचर था वो पहले यूक्लिड, उसने जो है इन सबको कंबाइन किया, इनको उसने नेम दिया एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स को उसने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। ये सारी थियोरी आपने बुक में से पढ़नी है, 1-1 मार्क में ये आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, तो इनको आप अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड पेज पे ये सारा लास्ट पैरा आपका यही गिवन है, थेल्स जो था ही वॉज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ दैट सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। तो ये वाली सारी थ्योरी आपने पढ़नी है, दिस इज योर पेज नंबर 79। देन जो आपका ये गिवन है कि यूक्लिड ने जो है सारे ये ज्योमेट्री के जितने भी स्टेटमेंट्स थी, जितने भी प्रूफ थे, इनको सबको कंबाइन किया, उसने इन एलिमेंट्स को जो है 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि कितने चैप्टर्स में उसने उसको डिवाइड किया, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ये सारा आपका 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस बनेंगे, तो यू आर टू डू दी। अब यहाँ पे आगे उसको क्या कहा गया कि जो था उसने इनको कंबाइन करके क्या बनाया, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स हैं आपके। ये जो 5 पोस्टुलेट्स हैं आपके, दीज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ओनली, ये सिर्फ आपके जो है ज्योमेट्री के पार्ट पे अप्लाई होते हैं। लेकिन जो आपकी एक्सियम्स हैं, 7 एक्सियम्स हैं इन ऑल, दे कैन बी अप्लाइड टू मैथमेटिक्स, मैथ्स के किसी भी पार्ट को, वेदर इट इज अरिथमेटिक, वेदर इट इज अलजेब्रा, वेदर इट इज ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी है उस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो मतलब जनरली आप मैथ्स पे अप्लाई कर सकते हो उसको एक्सियम्स नेम दिया गया, जो सिर्फ ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे आपका अप्लाई होगा उसको नेम दिया गया पोस्टुलेट। तो इस चैप्टर में हमारा जो है हम पढ़ेंगे एक्सियम्स के बारे में और पोस्टुलेट्स के बारे में। इनमें से कई एक्सियम्स जो हैं या पोस्टुलेट्स आप यूज भी करते आ रहे हो, बट आपको वो उस टाइम पे पता नहीं था कि दैट वर गिवन बाय यूक्लिड, तो अब आपको लगेगा कि हाँ वो चीजें देख के कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। उससे पहले जो है उसने अपनी एलिमेंट्स की जो बुक 1 थी उसने 23 डेफिनेशंस दी थी। अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बनता है, 23 में से यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 7 जो आपकी डेफिनेशंस हैं उनको डिफाइन किया है। फर्स्ट पॉइंट देखो पेज नंबर 80 पे,
पेज नंबर 80 पॉइंट नंबर 1 अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार. पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट की डेफिनेशन आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो कि पॉइंट क्या है जिसका कोई पार्ट नहीं है. अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, यू कैन से. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एज सच, तो लेंथ और ब्रेथ अगेन वी कैन डिफाइन, हमें पता होना चाहिए. या जैसे उसने यहाँ पे दिया है पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. अब पार्ट क्या है वो हमें नहीं पता, उसको हमने यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं किया हुआ. तो कुछ चीजें ऐसी हैं स्टिल कि अगर मैं एक चीज की डेफिनेशन दे रही हूँ तो उसके लिए जो है हमें फर्दर और चीजों की भी साथ में डेफिनेशन पता होनी चाहिए. लेट अस सपोज कि मैंने एरिया ले लिया, एरिया मुझे पता है. अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करती हूँ तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को तो डिफाइन कर दिया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ, बट व्हाट अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया. अगेन यहाँ लेंथ और ब्रेथ आपके अनडिफाइंड पार्ट है. इट मीन्स कि अगर मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ तो उसमें और भी बीच में टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन की जरूरत है. सेम वे में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो यहाँ पे अगेन ये थ्री टर्म्स हैं विच नीड्स टू बी डिफाइंड. तो इस तरीके से कई चीजें ऐसी बनती हैं जिनकी फर्दर डेफिनेशन की जरूरत होती है, बट क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है वो मतलब ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सके, तो ये चीजें जो हैं वो एज इट इज प्री डिफाइंड, मतलब एज्यूम करके चल लिया गया इनको, इनकी कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं रखी गई. तो ऐसी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिनकी कोई डेफिनेशन जो है आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है. हमने यहाँ पे क्या किया कि इनको आपका यहाँ पे बुक में भी गिवन है कि यहाँ पे जो आपकी कुछ ऐसी टर्म्स हैं ज्योमेट्री में, जैसे आपका पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, दीज आर द अनडिफाइंड टर्म्स. ये 81 पेज पे आपको गिवन है. मैं बीच बीच में से करवा रही हूँ, यू आर टू रीड दिस थॉरली. इसमें से आपके 1-1 मार्क वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो यहाँ सेकेंड पैरा में देखो आपको गिवन है थर्ड लाइन, इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स, कि इनकी डेफिनेशन नहीं है, इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, दीज आर टेकन एज अनडिफाइंड टर्म्स. तो इनको जो है हम वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फिजिकल मॉडल्स की वजह से, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इनको हम अनडिफाइंड टर्म्स की तरह ही लेके चलते हैं. अब एक्सियम्स पे आएंगे आप, सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम जो है वो गिवन है. एक्सियम्स जो है वो जरूरी नहीं है कि मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको गिवन होंगे. यहाँ भी बुक में उसने स्पेसिफिकली मेंशन की गिवन है, यहाँ पे मेंशनड है कि जो ये एग्जाम्स यहाँ उन्होंने लिखे हैं वो यूक्लिड की बुक में जिस ऑर्डर में गिवन है उस ऑर्डर में उन्होंने नहीं लिखे हुए, ठीक है. ये उन्होंने बुक में आपको रैंडमली गिवन है. अगर आप यूक्लिड की बुक चेक करते हो एग्जाम्स वाली, तो उसमें ये सेम ऑर्डर में लिखे हुए नहीं मिलेंगे. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम. फर्स्ट एग्जाम हमें क्या गिवन है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अब मैंने देखो ये चौक लिया, ये मेरा जो फर्स्ट वाला चौक है वो इसके इक्वल है. अब मैंने ये वाला चौक रख दिया और इधर से ये दूसरा चौक उठाया, अगेन दीज टू आर इक्वल. अब मैं इसको अगर रख देती हूँ और पहले वाला चौक लेती हूँ, तो कैन यू डिफ्रेंशिएट दीज इन, आपको ये सेम लग रहे हैं. ये मेरे पास टोटल 3 चौक थे, 3 में से मैंने कहा पहले कि ये वाले 2 इक्वल हैं, फिर मैंने इस वाले को हटा दिया और फिर मैंने कहा ये 2 इक्वल हैं, तो इनके जो 2 इक्वल हैं उसमें से अगर मैं ये भी निकाल देती हूँ तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर. या मैं कलर्ड ले लेती हूँ तो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये पिंक और ब्लू मैंने कहा कि ये इक्वल हैं. अब ब्लू को हटाया यहाँ से, दिस वन इज द ग्रीन वन, तो मैं अब क्या कह रही हूँ कि पिंक और जो ये ग्रीन है ये दोनों आपस में इक्वल है. पहले हमने कहा कि पिंक वाला जो है वो इस ब्लू के इक्वल है, अब हम कह रहे हैं कि पिंक वाला जो है इस ग्रीन के भी इक्वल है. तो पिंक अगर मैं हटा दूं तो ग्रीन और ब्लू भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. गॉट इट, इज दिस क्लियर, कि अगर थिंग्स विच आर इक्वल टू
सेम थिंग, ये दोनों जो हैं वो अगर इसके इक्वल हैं, ब्लू ग्रीन वाला भी इसके इक्वल है, ब्लू वाला भी अगर इसके इक्वल है, तो आपके ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. अब देखो यहां पे मैंने लिया थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री. अब मैं क्या कर रही हूं, इसमें एक इक्वल नंबर दोनों साइड पे ऐड करूंगी. यहां मैंने ले लिया फाइव ऐड किया और इधर भी मैंने फाइव ऐड किया. अब थ्री प्लस फाइव इज एट, थ्री प्लस फाइव इज एट. तो अगेन दीज आर इक्वल, ये ऑलरेडी इक्वल थे, इन इक्वल्स में मैंने अगेन इक्वल नंबर ऐड किया, तो आई गॉट द आंसर एज इक्वल्स. जरूरी नहीं है ये नंबर्स पे आपका अप्लाई करेगा, ये किसी और चीज पे भी अप्लाई कर सकता है. मान लो आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड 2 meter है या 2 centimeter यू कैन से. इसके साथ अगेन यू आर हैविंग अ क्यूब ऑफ साइड 2 meter. अब इन 2 meter के क्यूब्स के साथ अगर आप एक 3 meter वाला क्यूब ऐड कर देते हो, दोनों के साथ अगर आप इकट्ठा रख देते हो, तो जो आपका क्यूबॉइड फॉर्म होगा, मैंने ये फिगर थोड़ी एक छोटी एक बड़ी बन गई है, बट अगर हम डायमेंशन 2 meter लेके चलेंगे तो वो सेम होगी दोनों की. तो जब आप उनको इकट्ठे रखोगे 2 meter वाले के साथ, इधर भी आपने 3 meter वाला रखा, इधर भी 3 meter वाला रखा, तो जो ओवरऑल आपका क्यूब बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों सेम बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्या होंगे, सेम होंगे. देन इन द सेम वे इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल. ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर वर्ड यूज करना है, एड वाले एग्जाम में आपने होल वर्ड यूज करना है. सो दिस इज 3 minus 1, 3 minus 1 ये इक्वल मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 दोनों में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो अगेन जो रिमाइंडर आएगा 3 minus 1 दैट इज 2 दैट आर इक्वल. उसके बाद थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अब देखो ये और ये, अगर मैं इनको इस तरीके से रख देती हूँ, ये कोइंसाइड कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी, यू कैन अज्यूम इट एज अ सिंगल शॉक. अगर मैं इसको इस तरीके से दूर से दिखाती हूँ, तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल, देन द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. ये आपने किया हुआ है, छोटी क्लासेस से आप फ्रैक्शंस करते आ रहे हो. मान लो ये मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के मैंने ये वाले पार्ट को अलग कर दिया, ये पार्ट अगर मैं बीच में से निकाल दूं, तो दिस इज द होल, ये पूरा सर्कल है, इसमें से अगर मैं एक पार्ट इसका निकाल देती हूँ, तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अगर इवन की ये वाली लाइन में यहां ना लेके यहां भी ले लू, देन अगेन होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अगर मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, देन ऑल्सो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. जितना मर्जी आप इसके ये पास वाला ले लो, आपका जो होल है वो पार्ट से बड़ा ही रहेगा. देन थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अगेन थ्री इज इक्वल टू थ्री मैंने लिया. अब डबल की बात हो रही है, तो दोनों तरफ अगर मैं डबल करूंगी, तो अगेन आई विल गेट 6 is equal to 6. तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सेम वे में थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थ्री इक्वल टू थ्री बाई टू किया, दोनों तरफ हाफ कर दिया, तो अगेन जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल. तो ये आपके एग्जाम्स थे. फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. ये आपका सुपरपोजिशन वाला, एक तरह से आप कह सकते हो कि ओवरलैपिंग जहां पे थिंग्स की होती है. होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर अगेन इक्वल टू वन अनदर. तो ये एग्जाम्स हैं, दीज यू आर टू लर्न. समटाइम्स क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट एनी 2 axioms ऑफ यूक्लिड या राइट एनी 3 axioms ऑफ यूक्लिड, या फिर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इस वाले
क्वेश्चन में कौन सा आपका एक्सियम यूज हो रहा है और उस एक्सियम को छोड़ के आपको अनदर कोई 2 or 3 एक्सियम्स और लिखने होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. तो यू हैव टू लर्न दीज एक्सियम्स. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द पोस्टुलेट्स. अब पोस्टुलेट्स में अगर हम बात करें, अच्छा इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे आपका जो ये वाला एग्जाम है फिफ्थ वाला, दिस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटर देन. ये वाला जो है आपका, ये आपको ग्रेटर देन की डेफिनेशन भी देता है किस तरीके से. मान लो मैंने ले लिया 5 is greater than 3. 5 greater than 3 का मतलब क्या है? 5 3 से बड़ा है. अब 5 और 3 इक्वल कब होंगे? जब मैं 3 में 2 ऐड कर दू. ठीक है, जब मैं 3 में 2 ऐड कर दूंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, 5 जो है वो आपका दैट विल बी इक्वल टू 3 plus 2. इट मींस अगर मैं इसको जनरल वे में लिखूं तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मुझे गिवन है कि ए अगर बी से बड़ा है तो इट मींस देयर इज अ नंबर सी विच इफ आई एड टू बी देन दिस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए. एक नंबर सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जिसे अगर मैं बी में ऐड कर दूं तो बी और सी का जो सम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ए, जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है. ए 5 था, बी आपका 3 था, 5 3 से बड़ा था. एक नंबर हम इसमें 3 में क्या ऐड करें कि वो 5 के इक्वल हो जाए, दैट इज 2. तो देयर इज ऑलवेज अ नंबर सी विच कैन बी एडेड टू द स्मॉलर नंबर सो दैट द स्मॉलर नंबर बिकम्स इक्वल टू द bigger number or you can say the greater number. तो ये आपका fifth जो axiom है वो इस तरीके से भी आप कह सकते हो. Now moving on to the next one. अब देखो next one में हमें क्या given है, a straight line may be drawn from any one point to any other point. एक point से दूसरे point पे जो है वो आपका दिखा सकता है. एक point जो है straight line may be drawn from any one point टू एनी अदर पॉइंट. एक किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे वो आपकी आप ड्रॉ कर सकते हो. हाउ यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन, ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया. अब इस पॉइंट से जो है आपका पोस्टुलेट वन क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. अब इस पॉइंट से अगर मैं लेके चलूं लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, तो ये मेरी इस पॉइंट पे ड्रॉ हो गई. सेम वे में यहां से मैं इधर भी ड्रॉ कर सकती हूँ. यू कैन सी कि यहाँ पे अगर मैं लेके चलूं फर्स्ट वाली, इस वाली अगर लाइन की मैं बात करती हूँ तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे था और एक पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे था. अगर मैं इस वाली लाइन की बात करती हूँ तो वन पॉइंट यहाँ था और जो इसका सेकेंड पॉइंट था वो कहाँ पे था, वो यहाँ पे था. तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. सेम वे में आप इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं पे भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते. आई होप दिस वन इज क्लियर. फर्स्ट पोस्टुलेट इज क्लियर. अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. तो आपको मैंने जो है ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, फिक्स पॉइंट लिया यहाँ पे ये वाला, और इस फिक्स पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स पे आपको मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखा दी. तो फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. सो दिस वाज योर फर्स्ट पोस्टुलेट. नाउ सेकंड पोस्टुलेट आपका देखो क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम. अब हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है तो मैंने ये एंड पॉइंट्स ले लिए इसके. एक पॉइंट मैंने ये लिया ए और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया बी. अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स से कहूँ कि कितनी लाइंस जो है वो पास करती हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी. अब ए से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, ए से अगर मैं इधर की तरफ ही मूव करती हूँ तो वो अगेन ए बी लाइन को ही ओवरलैप करेगा. अब ए से अगर मैं यहाँ पे इस तरफ लाइन ड्रॉ करूं या मैं ए से पास करती हुई लाइन ऐसे ड्रॉ करूं या ए से पास करती हुई लाइन में ऐसे ड्रॉ करूं, तो वो जो है सिर्फ ए से ही पास कर रही है. सेम वे में अगर मैं बी से पास करती हुई लाइन लूंगी तो
सिर्फ वो बी से ही पास करेगी, ए से पास नहीं कर रही है। तो इट मींस कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दो पॉइंट्स से हमेशा आपकी एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है। ए से जो है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए से जो है वो ये लाइंस पास कर रही है, बट सेम पॉइंट बी को वो कवर अप नहीं कर रही है। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं तो वो ये वाली लाइंस जितनी है ये सिर्फ बी से पास कर रही है, ए से पास नहीं कर रही। ए और बी से जो है आपकी वो एक ये सिंगल लाइन जो है ये वाली ये पास कर रही है, जिसको मैंने अब रेड शो किया। गॉट इट? तो टू पॉइंट्स अगर आपको गिवन है तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दैट टू पॉइंट्स। उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लो अगर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की तो इसको मैं इधर, ये एक मैंने सपोज लाइन सेगमेंट ले ली, तो इसको मैं इधर आगे फर्दर प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सेम वे में मैं इसको इधर फर्दर प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो अगर आप लाइन की बात करते हैं तो लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। दिस वॉज योर पॉस्टुलेट नंबर टू। उसके बाद पॉस्टुलेट नंबर आपका थ्री क्या कहता है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने ये सर्कल का रेडियस जो है मैं इसको कम ज्यादा कर सकती हूँ। पहले मान लो मैंने इसको इतना ले लिया, अब यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी तो यू कैन सी दिस सर्कल। अब सेम वे में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको चेंज करती हूँ रेडियस एंड अगेन आई विल ड्रॉ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है, देखो आप कह सकते हो कि ये वाला सर्कल जो था मेरा और ये वाला जो सर्कल, दो मैंने शो किए हैं ब्लू एंड रेड। सेम वे में आप जो है और भी इसको ले सकते हो, डिफरेंट रेडियस के साथ जो है आप इसका सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। सो ये अगेन एक और सर्कल हो गया। तो डिफरेंट रेडियाई के साथ, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस आपका इतना है, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस आपका इतना है, अगर इसके रेडियस की बात करें तो ये रेडियस जो है आपका इतना है। तो आप यू कैन सी कि इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो डिफरेंट हैं। इनको आप इवन अगर चाहो तो मेजर करके भी देख सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको लूँ तो ये 1.9 के करीब आपका बन रहा है, अगर मैं इसको मेजर करूँ तो दिस इज 3.8, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वन इज 5.6 अप्रोक्सीमेटली। तो डिफरेंट रेड है, दैट इज की प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ कर ली, उसके बाद इक्विलेटरल क्योंकि ट्राइंगल आपने ड्रॉ करनी है तो वी हैव केप्ट आवर कंपस ओवर हियर, और इस कंपस को जो है हमने ओपन करना है इक्वल टू द लेंथ एंड देन हमने यहाँ पे मार्क करना है इसको, देन सेकंड हमने इसको मूव कर देना है यहाँ से और इधर सेम वे में आपने यहाँ से मार्क करना है। तो अब जो आप यहाँ पे इनको अगर ज्वाइन करते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट को एंड सेम वे में इस पॉइंट से आप इसको ज्वाइन करो तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम वे में हम एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल विद डिफरेंट लेंथ जो है ले सकते हैं, लेंथ कम करके भी आप ले सकते हो। तो जिस तरीके से आपकी ये वाली ट्राइंगल बनी है सेम वे में जो आपकी ट्राइंगल है वो बनेगी। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें अगर लें, अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट अगर हम इसकी बात करें तो दैट वाज पॉस्टुलेट नंबर 5। ये आपने किया हुआ है,
postulate 5 में आपको क्या गिवन है, इफ यू आर गिवन टू पैरेलल लाइंस एंड वन इज द ट्रांसवर्सल, आपने जो है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किए हुए हैं कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है. तो अगर ये और ये एंगल्स का एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल. अदरवाइज अगर इनका सम जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 180 के इक्वल नहीं है देन यू विल से कि ये जो लाइंस हैं आपकी दीज विल बी नॉट पैरेलल. पैरेलल के लिए यू नो दिस कंडीशन कि ये दोनों एंगल्स का सम जो है आपका को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है आपका दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो दिस इज योर पॉस्टुलेट नंबर 5. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये टू स्ट्रेट लाइंस पे ये स्ट्रेट लाइन अगर फॉल कर रही है देन द एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. इंटीरियर में ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर एंगल्स हमने लिए और ये लेस देन जो है टू राइट एंगल्स है या लेस देन 180 डिग्री है देन वी विल से दैट द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली अगर इनको हम प्रोड्यूस कर दें तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. यहाँ पे अगर ये आपका सम मोर देन 180 डिग्री है इसको मैं इधर प्रोड्यूस कर दूं इसको मैं इधर प्रोड्यूस कर दूं तो समहाउ एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जहां पे जाके ये दोनों लाइंस क्या होंगी आपकी मीट कर जाएंगे. अगर वो सम 180 के इक्वल है तो लाइंस विल नेवर मीट. अगर सम जो है वो 180 के इक्वल नहीं है तो जिस साइड पे सम 180 से बड़ा है उसके ओपोजिट साइड पे वो मीट करेंगे. अदरवाइज अगर इस साइड पे सम छोटा है इधर मीट कर रही है इस साइड पे सम छोटा है तो इधर मीट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. हां जी ये सो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू. फाइन ओके थैंक यू देन हैव अ नाइस डे. यू आर टू रीड दिस थ्योरी थॉरली और उसमें से जो आपके वन मार्क क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेना सो दैट यू कैन डू देम इन योर एग्जाम्स ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. थैंक यू हैव अ नाइस डे.